cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt? If you ever got the chance to meet him, you'd know why I want to. Hello, everyone. Hi, Akshat and Suryan. Hey, Ritik. Hi, Ritik. तो आज अपन बात करने वाले, जैसे कि टाइटल है अपनी वीडियो का ब्लू टेक्नो रिप्लाई, तो सम ऑफ द बॉलीवुड मूवीज जो काफ़ी अंडररेटेड्स हैं. तो ये नाम इन्हीं दोनों लग रखा है. कैसे अपन पूछते हैं कैसे? हाँ, हम लोग इस नाम का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. तो क्या है कि बॉलीवुड ने ना कुछ मूवीज को सच में मतलब एक्सेप्ट तो किया, प्रीमियर दिलवाया, लेकिन फिर सच में वही ब्लू टेक्नो रिप्लाई वाला ही काम हुआ था. बहुत मूवी के साथ काफी मूवीज ऐसे निकल जाती हैं, अंडररेटेड रह जाती हैं, तो आज उनके बारे में बात करते हैं. तो लिस्ट में पहला नाम आता है अपन लोग 404 एरर नॉट फाउंड. तो ये मूवी है प्रवल रमन की, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है मूवी और बहुत अच्छी मूवी है. ये मेनली थ्रिलर है, मतलब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और ऐसी मूवी शायद मैंने तो कभी नहीं देखी बॉलीवुड में. मतलब ऐसी एग्जीक्यूटेड मूवी और इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है. मतलब और जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मूवी में जो भी दिखाए गए हैं, जैसे कि बायपोलर डिसऑर्डर वगैरह और जो भी मेंटल स्टेट्स. पहले जब शुरू होती है तो कॉलेज मतलब ऐसे मेडिकल कॉलेज से चालू होती है, तो लगता नहीं कि ये मूवी मतलब थोड़ा ऐसे थ्रिलर टाइप की रहेगी या फिर बायपोलर के ऊपर है, लेकिन काफी सस्पेंस है इस मूवी में. मूवी सेटअप है एक मेडिकल कॉलेज में और एक ट्रेजिक इंसिडेंट के ऊपर. तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, ओए डॉक्टर इसे करके कॉल कर रहे हैं लोग एक दूसरे को. फिर सिर्फ पहले शुरू में तो पंस वगैरह से स्टार्ट होती है मूवी, लेकिन उसके बाद समझ में आता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जो एक्टर्स हैं वो उन कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहे हैं. बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं लिया गया जिनका नाम के कारण वो फिर कैरेक्टर मतलब एसोसिएट नहीं कर पाते, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. सब नेचुरल लग रहे थे खासकर, लेकिन अच्छे एक्टर्स को लिया गया जैसे सतीश कौशिक और इसका चोपड़ा वगैरह को. जैसे निशिकांत कामत है जो बाय प्रोफेशन ज्यादा लोगों को डायरेक्टर के नाम से पता होगा, दृश्यम डायरेक्ट किया जिनने, तो उस उनका एक बहुत अहम रोल है इस मूवी में. और इसके अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो काफी पैरेलल शॉट है एकदम, मतलब लगेगा कि थोड़े मतलब हॉरर मूवी टाइप का लगेगी ये जब देखेंगे. मूवी शुरू में ही हिंट दे देती है मतलब कि ये किस तरीके से जा रही है, लेकिन धीरे धीरे अनरैप होती है मूवी और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि ऑडियंस खुद ही समझ जाएगी कि ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ. तो वो चीजें अच्छी लगती है. और हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया जो मतलब ज्यादातर थ्रिलर्स में किया जाता है कि हर एक मोमेंट के बाद अगर ऑडियंस पीछे छूट गई तो वो चीज एक्सप्लेन कर दी जाती है वहीं पे. तो वो चीजें नहीं है. थोड़ी अच्छी मूवी है, थोड़ी सी नोवर स्टाइल की मूवी है. और अपन दूसरी मूवी के बारे में अब बात करते हैं. तो अगली मूवी है लिस्ट की रॉकेट सिंह. ये मूवी कुल मिला के अहेड ऑफ इट्स टाइम है और बहुत बहुत मैच्योर ऑडियंस के लिए काफी. इसमें जो कॉमेडी भी है ना वो भी थोड़ी ऐसी स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, काफी अच्छी कॉमेडी है. और शिमित अमीन ने डायरेक्ट की है, चकदे के डायरेक्टर, और रणवीर कपूर है इसमें. मतलब ज्यादातर स्क्रीन टाइम तो रणवीर कपूर का ही है. हाँ पूरा. और मूवी के मूवी से खासकर रिलेट करना थोड़ा टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि वर्क कल्चर के साथ हर एज ग्रुप नहीं रिलेट कर पाता है. इसमें वर्क कल्चर को दिखाया गया है कि एक काफी अच्छा डायलॉग भी है मूवी में कि एक बिजनेस बनता कैसे. अगर अपन देखा जाए तो तमाशा से अगर लव स्टोरी निकाल दें और जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला पार्ट डाल दें तो ये मूवी बनेगी उस तो यार तमाशा में भी, लेकिन जो लव स्टोरी थी ना मैच्योर्ड वे में दिखाई गई थी ऐसा. ये पूरी मतलब इसका जैसे इसकी लाइन भी है ना कि सेल्समैन ऑफ द ईयर, तो इसलिए मूवी बेसिकली रणबीर के कैरेक्टर को फॉलो करती है कि वो एक जगह काम करते हुए, एक जगह स्टक होते हुए वो एक अपना खुद का सॉर्ट ऑफ बिजनेस कैसे बनाता है.
और उसमें ये भी दिखाया है कि उसका एक कलीग रहता है तो वो दूसरा बिजनेस खोल लेता है इसके बिजनेस, इसको जब पता चलता है तो, मतलब दो यहाँ पर भी काम कर रहा होता है वहां पर भी। मूवी एक सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग वगैरह की बात की जाए तो मूवी काफ़ी नेचुरल लगती है अपने सीन्स में, एक प्रॉपर जैसा वर्क कल्चर होता है, एक क्यूबिकल स्टाइल, तो उस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर किया है, कुछ फ्लॉन्ट नहीं किया गया, ऐसे कुछ खास लव स्टोरी वगैरह कभी ऐसे कुछ एंगल नहीं है, एक एक प्रॉपर मूवी है जिसके अराउंड कोई एक्स्ट्रा एजेंडा नहीं घूमता। और इसको भी कह सकते कि एक अच्छा अटेम्प्ट है बॉलीवुड का। तो अगली मूवी कौन सी है अपने लिस्ट में? अगली है अगली तलवार। मूवी है तलवार बाय मेघना गुलजार। मेघना तलवार, गुलजार। ओके, तो राइम करती है मूवी। तो शायद कम क्या, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ये ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। हाँ, ये मूवी असल में और बेस्ड है आरुषि के मर्डर केस पर। हाँ, होमिसाइड पे जो शायद दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था ना? हाँ, दिल में। क्या है यार, बहुत सारी चीजें हुई है ना तो वो रिकॉर्ड नहीं रहता तो मूवी की राइटिंग की है विशाल भारद्वाज ने, वो फील होती है अगर कोई विशाल भारद्वाज का फैन हो और या विशाल भरद्वाज का फॉलो। म्यूजिक भी है तो वो भी फील होता है, हाँ, एक विशाल अलग भारद्वाज का उसमें पीछे म्यूजिक साउंड स्कोर चलता रहता है। और ये मूवी काफी उसमें है, क्या क्या बोलते हैं, अगर जैसे बोरारी केस देखें अपन तो वैसा उस फील में बनी है ये मूवी की। अपने इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है और ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन इसमें दिखाए हैं, जैसे वो हाउस ऑफ सीक्रेट जैसे इन्वेस्टिगेशन मतलब चलती है, थोड़ा थोड़ा लूज रहता है जो थोड़ा लूज रहता है एग्जीक्यूशन सिस्टम। रहता है, थोड़ा हाँ, लूज रहता है, वो तो कोई सबको ही जब पता एक ऑफिसर बस उस केस में स्पॉटलाइट डालता है तो उसके ऊपर है ये मूवी। है। और जैसे कि अपने यहाँ की केस स्टडीज में होता है कि एक बार में रिजल्ट नहीं आता, चलती रहती है, मल्टीपल एसआईटीज फॉर्म की जाती है, और तो बहुत अच्छी सस्पेंस है इस मूवी में, पूरी सस्पेंस भरी मूवी है। मेनली इस मूवी में मतलब कोंकणा सेन शर्मा है और इरफान खान है, तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, खास करके इरफान खान ने, जितने भी सीन्स में उनको दिखाया गया। और ये थोड़ी सटल थ्रिलर है, मतलब वैसी थ्रिलर नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है ऑडियंस को कि धीमे चल रही है, लेकिन पेस बिल्कुल सही है, ऐसा थोड़ा रियलिटी दिखाने के लिए पेस को थोड़ा गिराना ही पड़ता है, लेकिन मतलब सब जो चीजें। टर्न्स हैं उस स्टोरी में वो पे ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर बिल्कुल कोई उस स्टोरी को नहीं जानता हो, किसी ने न्यूज़ टेलीकास्ट नहीं देखा हो राइट थ्रू एंड, तो उसे समझ में आएगा कि अच्छा फ्रेमिंग वगैरह और काफ़ी चीज़ें इस मूवी में से दिखाई गई हैं कि फोर्ज करना किसी की टेस्टिमनी को, काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं जो मतलब एक एक एक्सटेंट तक मूवी को बना देती हैं थ्रिलर, जो लोग बोलेंगे कि अगर स्लो पेस है या कुछ है, कि चलो एक सीरियस मूवी हो गई, चलो थोड़ा लाइट करते हैं, एक मूवी अपन उठाते हैं लाइट करते हैं। दिल वैसे ये से। भी थोड़ी सीरियस ये है मूवी भी, हाँ, दिल से यार। मतलब मुझे नहीं लगता कि जितना मेहनत, जितनी मेहनत, जितनी इंटेग्रिटीज लगी है मूवी को बनाने में, उतना ऑडियंस ने कभी अप्रिशिएट किया है इस मूवी को। मतलब वीर ज़ारा को बहुत लोगों ने देखा है, DDLJ को बहुत लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया है कि ऐसी होनी चाहिए लव स्टोरीज, ऐसे लिखी जाती हैं लव स्टोरीज, लेकिन दिल से यार एक अलग अलग तरीके से ही दिखाया गया है दिल से में लव स्टोरी, और इतनी हाँ सूफीनेस नॉर्मली, दिखाई गई है पूरी हाँ नॉर्मली मूवी में। बॉलीवुड में वो लव स्टोरी दिखाई जाती है ना जिनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है या उस प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हैं, तो दिल से में काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखा से देते हैं कि अगर ऑडियंस देखेगी तो बोलेगी इसका सॉल्यूशन ही क्या है, वही तो। तो वो चीज़ को ज़्यादा लोग ऐसा वो नहीं करते ना, क्योंकि सबको मुशी लव स्टोरीज चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे कैसे लॉयल रहे हमेशा हर चीजें, और लास्ट में सॉर्ट आउट हो जाए। बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार। ये मूवी मतलब काफी बहुत सारे उसमें रैप्स में अगर देखा जाए तो हर में हर बार हर सीन में अलग अलग चीजें दिखती हैं उसमें, धीरे धीरे थोड़ी डुअल खुलती टोन हैं। मूवी है, इंटरवल के पहले थोड़ी अलग चलती है मूवी, इंटरवल के बाद थोड़ी ज्यादा इंटेंस हो जाती है मूवी। हाँ।
और बिल्कुल बिल्कुल जरूरत भी होती है वो इंटेंसिटी बढ़ाने की, क्योंकि इंटरवल के पहले जितना भी सेटअप किया जाता है जो शाहरुख के कैरेक्टर को है, और मनीषा का कैरेक्टर थोड़ा शेडी रखा जाता है इंटरवल के पहले, और इंटरवल के बाद तो फिर मनीषा ओन कर लेती है मूवी, मतलब सच में। और ये रघुवीर मूवी यादव सेवन जी शेड्स है ऑफ लव और पे बनी है। संजय मिश्रा, उसके संजय गाने मिश्रा का तो जाते हैं कैरेक्टर सब लोग को कि ढूंढना पड़ेगा, लेकिन रघुवीर यादव का कैरेक्टर तो दिख जाता है। और जितने भी गाने कोई भी अननेसेसरी नहीं लगते, जितने भी गाने वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं स्टोरी को, रादर देन जो गाने एकदम से आ जाते हैं कि दो लोग मिलते हैं और चलो अब ड्रीम सीक्वेंस में एक गाना डाल दिया जाए, तो वैसे गाने नहीं है, अच्छे लगते हैं। जैसे छैया छैया शाहरुख के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, ओरिजिनली छैया और छैया 2 बार आने वाला था, एंड में भी आने अच्छा वाला था, ये बात हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है कि छैया छैया सच में बहुत ज्यादा पसंद आया था जब लॉन्च हुआ था वो गाना। हाँ तो सच ये मूवी एक बार रिलीज हो चुकी थी, लेकिन एक एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि यार एक काम करते हैं, मूवी थ्रू द एंड थोड़ी इंटेंस हो जाती है, तो मूवी के एंड में छैया छैया वापस से डाल देते हैं, जहाँ पे एक दूसरा गाने का एक दूसरा बिल्कुल ओरिजिनली वर्स यूज हुआ है ओरिजिनली, हाँ जो ज्यादा मीनिंगफुल है, छैया छैया से तो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो ये मूवी तो सबको ही पता होगा शायद, मणिरत्नम ने डायरेक्ट की है, शायद और ये उनकी ट्रायल होती है टेररिस्ट, ना एक। हाँ टेररिस्ट टेररिस्ट ट्रिलॉजी की थर्ड मूवी है, फर्स्ट रोजा थी, सेकंड बॉम्बे थी, और थर्ड ये, और मणिरत्नम की पहली हिंदी मूवी है, और शायद हिंदी हिंदी मतलब बॉलीवुड में मणिरत्नम का बेस्ट काम है, मतलब मुझे तो बेस्ट लगता है। हालांकि मणिरत्नम ने आगे और भी मूवीज बनाई थी, जैसे गुरु, रावण, युवा भी उन्हीं की थी शायद, लेकिन वो मूवी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, और उतनी पॉलिश भी नहीं थी, दिल से बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से बनी तो तो आज अपन ने बात की 4 मूवीज के बारे में, नॉर्मली एक के दोस्त बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा ये बॉलीवुड की जो मूवीज है। फिर हम लोग अगले पार्ट के पार्ट में मिलते हैं, ब्लू टिक नो रिप्लाई पार्ट 2। तो फिर हम ये थोड़ा अजीब नाम जरूर लग सकता है, लेकिन ठीक है हम लोग यही कुछ हुआ यार। हाँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नाम रख दिया जाए, इसलिए ओरिजिनली ठीक सबको डिसाइडेड था कि सब लोग ब्लू पहनेंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही पहन पाया ब्लू। मेरा ब्लू था, कलर उतर गया। ओके ठीक है, अगली बार ब्लू ही पहनेंगे, मजाक कर रहा हूँ वैसे, ऐसा कुछ नहीं था, ओके ओके, सही बोल चलो रहा फिर हूँ। मिलते तो हैं, सेकंड पार्ट में मिलते हैं।